शास्त्र छोड़ और शस्त्र उठा। तू भी बालाजी विश्वनाथ भट्ट और राधाबाई का पुत्र है। तेरे रगों में भी वही रक्त दौड़ता है चिमना, जो मेरे रगों में दौड़ता है। बल, साहस, बुद्धि, तो किसी भी चीज में मुझसे कम नहीं है चिमना। पापा और मेरे बाद घर का बड़ा तू ही है। पर हम ऐसे क्या कहेंगे? उसका उत्तर तुझे स्वयं ही ढूंढना होगा चिमना। याद रखना, जितना कम बोलेगा उतना अच्छा होगा। आई और भीड़ को विश्वास दिलाना कि मैं जल्दी लौटूंगा। से नीचे उतरो बाजी, खाली उतर। सभा कर रहा हो, जाकर घोड़े पर सवार हो जाओ। पर मल्लारी मेरा घोड़ा है। और तुम इस सेना में एक पैदल सैनिक हो बाजी, तुम्हें इस घोड़े पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तो घोड़े पर मात्र वरिष्ठ अधिकारी बैठ सकते हैं। प्रभाकर राव, हमने कहा घोड़े पर जाकर बैठो। आप बाजी को आदेश मानने के लिए बाध्य कर सकते हो, पर बाजी के मल्लारी को नहीं। मल्लारी अपना सवार स्वयं चुनता है। बाजी और उसका घोड़ा पूरी यात्रा में सारी रसद, सारा सामान लेकर चलेंगे। पहले इसकी कमर टूटेगी और उसके बाद इसका घमंड। वो लोग बाबू को सेना के साथ कहीं दूर लेकर जा रहे हैं। आई, आई, आई।
खेल तूने शुरू किया था बाजी, अब इस खेल को भी मैं खत्म करूंगा और तुझे भी। अगर तुम चंद्रसेन के साथ जाते हो तो तुम्हारे परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी। हमें अपना छोटा सा गांव छोड़कर इस राजधानी में आना ही नहीं चाहिए था। यहाँ ना तो प्रेम है ना अपनापन, बस राजनीति। राजनीति से भले ही महल बन जाते हो पर घर टूट जाते हैं चिमना, जैसे हमारा टूट रहा है, बिखर रहा है। मेरी बाजी को रानी साहब ने ना जाने किस अभियान में भेज दिया और दूसरी तरफ तुम्हारे पापा को एक ऐसी आज्ञा देकर भेजा है जो उन्होंने तो मान ली, उनका हृदय कभी नहीं मानेगा। पापा शाहू जी देवी माँ की मंदिर को पार कर चुके हैं। उस मंदिर से दो मार्ग जाते हैं, एक नर्मदा की तरफ और दूसरा सतारा की तरफ। शाहू जी ने कौन सा मार्ग लिया है? नर्मदा सा। शाहू जी नर्मदा की तरफ बढ़ रहे हैं। इतने वर्षों बाद अपनी राजधानी सतारा लौटने के स्थान पर शाहू जी सतारा से उल्टी दिशा में जा रहे हैं। क्यों? लगता है शाहू जी को अनुमान हो गया है कि रानी साहिब के मन में क्या चल रहा है। शाहू जी कल सुबह नर्मदा नदी पार कर जाएंगे। यदि शाहू जी नदी पार करके मराठा भूमि में पहुंच जाते हैं और उसके बाद हमने उनके ऊपर हाथ डाला तो ये बात सामान्य जनता से छुपेगी नहीं। बालाजी ऐसी स्थिति में तो गृह युद्ध उत्पन्न हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें आज रात ही शाहू जी तक पहुंचना होगा। हम किसी भी स्थिति में उन्हें नदी पार करने नहीं दे सकते। बालाजी समय बहुत कम है हमारे पास। समय तो हमारे पास भी कम है। अब हमें निर्णय लेना होगा। शाहू जी का साथ दें तो परिवार पर संकट आ जाएगा, रानी साहब का साथ देंगे तो देश पर, आप देश और परिवार दोनों में से किसी एक को चुनने का समय आ गया है। चिमना तू भी उसके साथ रहना, मैं रानी साहब से बात करके आती हूँ। आई पर क्यों? भाऊ को जाने का आदेश तो स्वयं उन्होंने दिया है, तुझे कैसे पता उनसे बात करके कोई लाभ होगा? और तुझे कैसे पता कि कोई लाभ नहीं होगा? चिमना रानी साहब रानी होने से पहले एक माँ भी है, एक ऐसी माँ जो अपनी संतान को इस संसार में लाने का दर्द भी जानती है और उसे दूर भेजने की पीड़ा भी। मुझे विश्वास है रानी साहब मेरी बात समझे ना समझे, एक माँ की बात अवश्य समझेगी। तुम दोनों यही रहना, कहीं जाना मत, मैं आती हूँ। आप खड़े क्यों हैं? वो मैं आप ही से मिलने आ रही थी। ऐसी स्थिति में आपको आराम करना चाहिए। आराम? जब पुत्र के प्राण संकट में हो तो माँ आराम कैसे कर सकती है रानी साहब? योद्धा के प्राण तो सदैव संकट में रहते हैं। तलवार मयान में रखने के लिए नहीं बनाई जाती। युद्ध भूमि में रहना उसका भाग्य भी है और प्रवृत्ति भी। बराबर है, पर हमने तो सुना था कि बाजी जब अपने पिता के साथ युद्ध पर गया था तो आपने स्वयं उसे कवच पहनाया था। हो, तब से अब में ऐसा क्या अंतर आ गया है कि आप इतनी कमजोर पड़ गई? रानी साहब तब वो अपने पिता के साथ था,
और पुत्र जब अपने पिता के साथ होता है तो माँ को विश्वास होता है कि उसका पुत्र सुरक्षित है। भाग्यशाली है आप कि आप अपने अलावा किसी और पर भी विश्वास रख सकती हैं अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए। पर हम ऐसा नहीं कर सकते। राजे की आई भी हम हैं और हम आपकी दशा समझते हैं, पर आप हमारी स्थिति नहीं समझ रही हैं। आपको अपने पुत्र की चिंता है और हमें अपने पुत्र की। अंतर सिर्फ इतना है कि आपको सिर्फ अपने पुत्र की चिंता है और हमें अपने पुत्र के साथ साथ पूरे देश की। आप सिर्फ एक माँ हैं और हम माँ भी हैं और तारा रानी भी, इसलिए आपको और आपके पति को हम पर विश्वास रखना होगा। हम जो भी कर रहे हैं मराठी साम्राज्य के लिए कर रहे हैं। सेवकों के साथ जाओ और अपनी आई के लिए भोजन ले आओ। आप अभी आराम कीजिए, ऐसी स्थिति में तनाव अच्छा नहीं। राजेश भाई साहब, आप इतनी परेशान क्यों हैं? आपके लिए परेशान है रानी साहब। हमारे लिए? जी, आप हमारी सौतन हैं, तो सौतेला ही सही। रिश्ता तो है ना आपसे, इसलिए देखकर मन दुखता है कि आपके राज के दिन जल्द ही समाप्त होने वाले हैं। एक बार शाहू जी वापस आ गए। वाह राजस भाई साहेब, हमें आपकी यही बात बहुत अच्छी लगती है। आप अपनी स्वतंत्रता, वर्चस्व, प्रतिष्ठा सब कुछ खो चुकी हैं, पर आपने अपनी उम्मीद नहीं खोई। संसार आपको भूल चुका है, पर आप सपने देखना नहीं भूली। पर इतना याद रखिए कि शाहू जी यहाँ के लिए निकले तो अवश्य हैं, पर यहां कभी पहुंचेंगे नहीं। हम नहीं चाहते कि आपके मन में कोई झूठी आशा रहे। हमें आपकी चिंता है। वो क्या है ना, आप हमारी सौतन हैं, इसलिए सौतेला ही सही। रिश्ता तो है ना आपके साथ।
लो आ गया खच्चर। अरे इससे तेज तो लंगड़ा कछुआ चलता है। ठहरो, यहाँ जल का उपयोग करने के लिए भी कुछ नियम है बाजी। यहाँ हर वस्तु का उपयोग पहले अधिकारी करता है, फिर कर्मचारी और फिर भिखारी। अधिकारी और कर्मचारी के उपयोग करने के बाद अगर जल बचे तो आना। मुझे बहुत प्यास लगी है। तो क्या करें महाराज? आप कहें तो आपके लिए फलों का रस मंगा दें। काय रे बाजी, ये तेरा घर नहीं है। जहां पर तू खेल के लौटा तो तेरी आई तुझे नहलाएगी, तुझे खाना खिलाएगी, तुझे पानी पिलाएगी। ये सेना शिविर है और यहां पर तुझ जैसों की बारी प्रतीक्षा के बाद ही आती है। जल समाप्त हो जाएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा, पर प्रतीक्षा समाप्त नहीं होगी। दिन में देखे जाने का खतरा है, इसलिए सूर्यास्त तक यहीं रुकेंगे। आगे की यात्रा रात्रि के अंधकार में होगी। बाजी, तुमने उस चंद्रसेन को उत्तर क्यों नहीं दिया? क्योंकि दोष चंद्रसेन का नहीं, इस व्यवस्था का है। पर अधिकारियों का आचरण बताता है कि राजा कैसा है। जब तक सिंहासन पर राजे जैसे निरंकुश और असमर्थ लोग बैठे रहेंगे, तब तक एक चंद्रसेन हटेगा तो उसके स्थान पर दूसरा चंद्रसेन आता रहेगा। यह व्यवस्था तब बदलेगी जब राजा बदलेगा, जब राजे को हटाकर शाहू जी जैसे योग्य शासक सिंहासन पर बैठेंगे। बड़ी दुविधा में अम्मा, तुम्हें मार्ग दिखा। शाहू जी के विरुद्ध हम धना जी का साथ दे क्या? नहीं, माँ भवानी, यदि शाहू जी को कुछ हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। मेरे पापा को सही निर्णय लेने का साहस दे माँ। प्रतिज्ञा है कि जब तक स्वराज की स्थापना नहीं कर लेंगे, ना स्वयं चैन से बैठेंगे, ना शत्रुओं को बैठने देंगे।